मोहतरम हजरात, कुर्बानी के अहकाम और मसाइल के बारे में सिलसिले में ये तीसरा वीडियो है जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कुर्बानी के वक्त के चंद अहकाम। नंबर एक, जानवर को ज़िबह करने से पहले चारा खिलाए, पानी पिलाए, भूखा प्यासा रखना मकरूह है। यानी को कुर्बानी देने से पहले जानवर को चारा खिलाए और पानी पिलाए, भूखा प्यासा ऐसे ही उनको रखना और कुर्बानी करना मकरूह है। नंबर दो, मज़बह, जिस जगह जानवर को ज़बह किया जाता है वहाँ ले जाते वक्त घसीट कर ले जाना मकरूह है। नंबर तीन, आसानी से जानवर को गिराए बेजा सख्ती करना मकरूह है। नंबर चार, क़िबला रुख बाएं करवट लिटाए के जान आसानी से निकले, इसके खिलाफ करना मकरूह है। यानी कि जब जानवर को जब कुर्बानी देना हो, जब उसको लिटाया जाता है तो बाएं करवट यानी लेफ्ट साइड में उनको लिटाए, उनका मुंह क़िबले की तरफ हो जाए, ताकि इस तरह करने से उसकी जान आसानी से निकल सकती है। अगर इसके खिलाफ कुछ और तरीके से उसको लिटाया, इस तरह करना मकरूह है। नंबर पाँच, छुरी अगर तेज करना हो तो जानवर से छुपाकर तेज करे, क्योंकि सामने तेज करना मकरूह है। यानी जानवर के सामने चाकू छुरी वगैरह तेज करना, धार लगाना बिल्कुल मना है, मकरूह है। नंबर छः, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह करना मकरूह है, पैदा अलग करे और ना चमड़ा उतारे के मकरूह है। मज़कूरा बाल अहकाम कुर्बानी के जानवर के साथ मखसूस नहीं, बल्कि हर ज़बीहा के लिए है। और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कुर्बानी का तरीक़ा और उसकी दुआ। अपनी कुर्बानी का जानवर ख़ुद अपने हाथ से ज़िबह करना अफजल और बेहतर है। अगर ख़ुद ज़िबह करना नहीं जानता तो किसी दूसरे जानने वाले से ज़िबह कराए, लेकिन बेहतर ये है कि वहाँ उस वक्त ख़ुद भी मौजूद रहे। कुर्बानी के दिन जानवर को खूब पेट भरकर खिला पिला देना चाहिए। ज़िबह से पहले छुरी तेज़ कर ली जाए, कुंद छुरी से ज़िबह ना करना चाहिए, क्योंकि इससे जानवर को तकलीफ़ होती है। छुरी जानवर के सामने तेज़ ना की जाए, जानवर को क़िबला रुख लिटाया जाए और ये दुआ पढ़ें, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ा हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला शरीक लहू बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा मिनका व लका। फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबह करें, और ज़िबह करने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन हबीबिका मुहम्मद व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अगर किसी और की तरफ से ज़िबह कर रहा हो तो मिन्नी की जगह मिन फलां कहे, और फलां की जगह उसका नाम ले, और कई हिस्सेदार हो तो उन सब का नाम ले। ये रहे मसाइल। इसके बाद एक और वीडियो में आपको बताऊंगा कि कर्ज़ लेकर कुर्बानी करना कैसा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।